दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने YouTube की एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसके सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट सर्च किया हुआ है जी बेबी पांडा बस। तो यहाँ पर देख ले, जो पहले नंबर पर मेरे सामने वीडियो आई हुई है उसकी 46 मिलियन व्यूज़ है। ठीक है, ये क्या है जी, जस्ट बेबी पांडा बस। ठीक है, उसकी ये व्यूज़ आए हुए हैं, ये देख लें 12 मिलियन आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख लें जी 4.1 मिलियन, उसके बाद देख लें जी 5,59,000। ठीक है, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जी 24 मिलियन। अब ये देख लें जी, ये कितनी है जी 5.4 बिलियन, किसके अंदर जी, बिलियंस के अंदर। उसके बाद 5.9 मिलियन, उसके बाद यहाँ पर देख लें 283 मिलियन, उसके बाद 2.2K वॉचिंग है। नेक्स्ट आप लोग देख लें कि ये बेबी पांडा जो कार्टून है इनका बहुत ही अच्छा रिव्यूज़ आते हैं, बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, रिव्यूज़ भी इनके बहुत अच्छे हैं और बच्चे इनको देखना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर इस टाइप की वीडियोज़ का क्रिएट करना ही सिखाऊँगा कि जी आप लोगों ने किस टाइप से इन वीडियोज़ को क्रिएट करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है। प्ले स्टोर को आप लोगों ने ओपन कर लेना है और इसका जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर आप लोगों ने क्या सर्च करना है जी, बेबी पांडा। क्या जस्ट बेबी पांडा आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सी बेबी पांडा के रिलेटेड ऐप्स आ जाएंगी। तो ये देख लें, फोर्थ नंबर पर आप लोगों के पास एक ऐप है, इस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल अभी ही अपडेट हुई है कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को इस टाइप की ये देख लें जी न्यू वीडियोज़ मिल जाएंगी बेबी पांडा के रिलेटेड। देख लें जो वीडियो मैंने दिखाई थी, जो सबसे पहली वीडियो, तो उस टाइप से ही इनकी ये वीडियोज़ हैं, ये बस वाले, उसके बाद ये बस वाले। उसके बाद आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके बैक आ जाना है। बैक आकर आप लोगों ने एक स्क्रीन रिकॉर्डर को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, तो स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोग कोई भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक और काम आ चुका है जी, वो क्या है, यूट्यूब को ही आप लोगों ने ओपन करना है। ठीक है, और इसके सर्च बॉक्स में आप लोगों ने कार्टून बैकग्राउंड म्यूज़िक, कार्टून क्या जी, कार्टून बैकग्राउंड म्यूज़िक नो कॉपीराइट, ठीक है जी, ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है और कोई एक आप लोगों ने बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अब क्या करना है जी, आप लोगों ने चलना है, गेम तो ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया और अब इस गेम को हम लोग खेलते हैं। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने प्ले का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप लोगों की थोड़ी बहुत लोडिंग होगी और उस लोडिंग के बाद देन आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का प्रोसीजर इनका आ जाएगा। लो जी, ये यहाँ यहाँ से पांडे को उठाना, यहाँ से उसको उठाना, दोबारा पांडे को उठाना, ये हमारी बस खड़ी हुई, ये सारा मैप इन लोगों ने बता दिया है। लो जी, अब इस मैप के जरिए हम लोगों ने क्या करना है जी, इस गेम को अपने को खेलते जाना है। ठीक है, ये हमारे ड्राइविंग आ चुका है, अगर आप लोग ऐसे करते तब भी ठीक है। ठीक है जी, यानी कि हम लोग जहाँ पर भी इसकी मूवमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि गेम जो हम लोगों ने खुद खेलनी है। ठीक है जी, तो हम लोग जहाँ पर भी इसकी मूवमेंट करवाना चाहे वहाँ पर हम लोग करवा सकते हैं। लो जी, पहले हमने पांडे को उठा लिया, पांडिया या पांडा आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी, और उस टाइप से अब इसने सीट के ऊपर बैठना है, फिर हम लोग इसको बेल्ट वगैरह लगाएंगे। इस टाइप से आप लोगों ने क्या करना है जी, इस गेम को खेलते जाना है। लो जी, सीट पर बिठा दिया, अब ये बेल्ट हम लोगों ने इसको भी लगा दिया। लो जी, बेल्ट भी लग चुका है। इस टाइप से आप लोगों ने क्या करना है जी, लो जी पहले पर क्लिक हो चुका है, अब हम लोगों ने दूसरे के ऊपर जाना है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस टाइप से अपनी जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर लेना है लाजमी तौर पर। ठीक है, और उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं अपनी जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देनी है। अब चलते हैं जी गेम को, क्या जी इसकी जो वीडियो है हम लोग इसकी एडिटिंग सीखते हैं। लो जी, काइन मास्टर को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने यूट्यूब की वीडियो का साइज़ भी ले लिया है जो कि 16:9 था। आप लोगों ने भी वही ले लेना, अगर शॉर्ट की बना रहे हैं तब आप लोगों ने दूसरा साइज़ लेना है 9:16। ठीक है आप लोगों ने, लेकिन अब कौन सा लेना है, 16:9 जो कि यूट्यूब की वीडियो का है। देन आप लोगों ने क्या करना है जी, मीडिया के ऊपर क्लिक करके जो आप लोगों ने गेम की रिकॉर्डिंग की थी उसको आप लोगों ने अपनी टाइम लाइन के ऊपर ले आना है। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जी आप लोग बैकग्राउंड लेके आएँ, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि मज़ीद एडिटिंग के लिए आप लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ जी मेरी वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसका जो बकिया हिस्सा है उसको कर देता हूँ ख़त्म। लो जी, ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारे यार ये ऊपर ब्लैक एंड नीचे भी ब्लैक ये बॉक्सेस आ रहे हैं। नहीं जी, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, वीडियो के ऊपर ही क्लिक करेंगे। नीचे एक पेन एंड जूम का ऑप्शन है, यहाँ पर ये इक्वल का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने दोनों हाथों से
आप लोगों ने कुछ इस टाइप से इसकी मूवमेंट करवा देनी है, किसी को भी नहीं पता चलेगा ये एनिमेशन है, ये गेम है, ये खुद बनाई है, कोई भी एनीवन कोई भी इसको यानी कि इस टाइप से नहीं कह सकता कि ये खुद क्रिएट की हुई है या फिर ये गेम है, क्योंकि हम लोगों ने गेम के सारे प्रोसीजर ख़त्म कर दिए हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है जी, दोबारा आप लोगों ने वीडियो के ऊपर ही क्लिक करना है और इसके नीचे जो ऑप्शन था मिक्सर का, हमारा ये मिक्सर का ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है उसको डाउनलोड किया हुआ है। देन आप लोग ऑडियो के अंदर आएंगे, वीडियो के अंदर जहाँ पर भी आप लोगों का नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा हुआ है वो आप लोगों ने यहाँ से उठाकर लगा लेना है। लो जी मैंने लगा लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसी म्यूज़िक के ऊपर ही क्लिक करना है और मिक्सर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने ये इसको जो है वो शॉर्ट कर देना है, यानी कि इसको इसका साउंड थोड़ा सा लो आप लोगों ने कर देना है। लो जी ये भी हो चुका है। देन अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा लेयर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपने चैनल का नेम लाजमी तौर पर लिख लेना है, या चैनल का नेम या फिर आप लोगों ने अपना चैनल का लोगो लिख देना है, जैसे कि मेरा है आकिब का वीडियो। आप लोगों ने भी इसको अभी सब्सक्राइब करके जाना है ताकि डेली बेसिस पर ऐसे न्यू आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। लो जी आकिब का वीडियो भी आ चुका है, इसको मैं रखता हूँ जी इस कॉर्नर पर। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लो जी रेड मैंने कर दिया है, ठीक है जी रेड हो चुका है। उसके बाद मैं इसका फाउंट चेंज करता हूँ, फाउंट मैं कहता हूँ जी बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो। लो जी ये भी हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो लेंथ है वो अपनी जो वीडियो है जितनी भी आप लोगों ने क्रिएट की है उसके मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। अगर कोई और एनिमेशन लगाना चाहे वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि ये है, उसके बाद पल्स है, उसके बाद जिटर है जी, उसके बाद ब्लिंक शो है, जो भी आप लोग लगाना चाहे वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। लो जी नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या होगा, इसी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आप लोगों ने आ जाना है जी एडजस्टमेंट। यहाँ पर आप लोगों ने कंट्रास्ट जो है ना इसका, वो कंट्रास्ट थोड़ा सा कर लेना है या फिर सेचुरेशन, इसको भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लेना है, जिसकी वजह से आप लोगों का जहाँ भी एडजस्टमेंट होती है यानी कि कलरफुल लाइट होने चाहिए, हमारे जो कलर है वो कलरफुल होने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है जी, नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करना है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, कोई भी कॉपीराइट का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर ये नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इससे आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल रहा है, इस टाइप से आप लोगों ने क्या करना है जी, जैसे कि अब मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। लो जी बस हमारी चल पड़ी, अब चलो पांडव को उठाते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने यानी कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके, उसके बाद जब पहले पांडे का ये देख ले सामने स्टॉप आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने करना है लो जी पहला पांडा आ चुका है तो चलो इसे रिसीव करते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने कहीं कहीं पर जाकर अपने वॉइस ओवर लाजमी तौर पर कर लेनी है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने हाई क्वालिटी ले लेनी है। ये था आज का आइडिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसे न्यू आइडियाज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल पर प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर ऐसे ही न्यू आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ।